अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ जाना मुहारी और आप देख रहे हैं आयजा साउंड। तो आज मैं बना रही हूँ चटपटा सा काबली पुलाव। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने गोल्डन ब्राउन किया, और इसमें मैंने ऐड किया ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत 8 से 10 पीसेस, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी के 2 पीसेस। यहाँ से मैं पानी का छींटा दूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले भून जाएं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर चॉप किया हुआ, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, इसको भी साथ में मिक्स करके मैं कवर करूँगी ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चंद सेकंड्स के लिए इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं दूसरी साइड पर अपने राइस बॉइल कर रही हूँ ताकि बहुत क्विकली हमारा काम हो जाता है जी। अब स्पून के साथ हम टमाटर जो है इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। बॉयल बीन्स जो कि हमेशा मैं करके फ्रीज रखती हूँ, और इससे बहुत हेल्प हो जाती है जब भी कोई चीज़ हमें क्विकली रेडी करनी होती है। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अचार 2 से 3 चम्मच, जिसमें मैंने 7 अचार का मसाला भी ऐड किया है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर करके ट्राई कीजिएगा। 10 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको कवर किया था, और अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड राइस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज। आप देख सकते हैं कि विद इन 20 to 30 मिनट्स राइस हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और जस्ट इसको मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट्स का दम दूंगी, और सर्व करते वक्त हरे धनिए और पुदीने के साथ इसको गार्निश करूँगी। चटपटा सा काबली पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको सर्व करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।